नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो प्रश्न सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के सीबीटी परीक्षा में आने वाले हैं उसके संबंध में वीडियो बना रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से टू ईयर आईटीआई कोर्स, जैसे कि फिटर इलेक्ट्रीशियन के जो छात्र सेकेंड ईयर के छात्र जो बहुत जल्दी सीबीटी परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के संबंध में हम कुछ सुझाव दें, कुछ मदद करें और कुछ समझाएं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छी साइट, जब हम ढूंढ रहे थे कि हमें कौन सी साइट ढूंढनी चाहिए, इन स्टूडेंट्स को कौन सी साइट सजेस्ट करनी चाहिए, तो हम एक साइट हमें मिली जिसका आप हमारी स्क्रीन पे दे सकते हैं, www.iti50.com। तो ये एक साइट इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो सेकेंड ईयर के आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो क्वेश्चंस हैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप समझें कि आपके पास जो प्रश्न, जो आपके एलिजिबिलिटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेकेंड ईयर की परीक्षा में, वो मुख्यतः पांच भागों में हो सकते हैं। पहला इंग्लिश लिटरेसी स्किल्स, दूसरा आईटी लिटरेसी स्किल्स, तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, चौथा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और पांचवा सस्टेनेबल करियर्स। तो इस वीडियो में हम तीसरा जो प्रकार के क्वेश्चंस हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस, उनको हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी। तो ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसमें हम आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको समझाते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। ये मदद करेगा खासतौर पर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, जिन्हें हम क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कम्युनिकेशन स्किल्स के पार्ट को। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे वो पेज खुल जाएगा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ये पहले 10 क्वेश्चंस हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के। कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन, कम्युनिकेशन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके चार चॉइस हैं, अवर पर्सनल लाइव्स, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बी अवर प्रोफेशनल लाइव्स, हमारे व्यवसायिक जीवन में, यानी कि जब आप नौकरी करने जाएंगे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो कम्युनिकेशन मदद करता है, तीसरा हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स दोनों में, और चौथा ऑल दी अबव। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है संचार, आपस में विचारों का आदान प्रदान। तो कम्युनिकेशन इसमें मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे प्रोफेशनल यानी कि जो हमारा एक प्रोफेशनल लाइफ होगी, जब आप जॉब करेंगे तो जो आपके प्रोफेशनल जीवन में भी कम्युनिकेशन की एक अहम भूमिका होगी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो पहला इन्होंने चॉइस दी है द वर्ड्स वी स्पीक, जो हम शब्द कहते हैं क्या वो कम्युनिकेशन स्किल में इंक्लूड होता है? हमारे हिसाब से सही है, बिल्कुल, शब्द तो इंक्लूड होंगे कम्युनिकेशन करते समय। दूसरा देख लेते हैं क्या है, अवर बॉडीली मूवमेंट्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब हमारे शरीर के हिस्सों के मूवमेंट्स और हमारे चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब चेहरे के हाव भाव। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में बिल्कुल सही है, ये भी सही है, बी भी सही है कि हमारे बॉडी के मूवमेंट्स और हमारे चेहरे के हाव भाव ये भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होंगे। तीसरा गेस्चर्स, साइंस, सिंबल्स एंड अपीयरेंसेस, गेस्चर्स मतलब अगेन जो हम अपने हाव भाव शो करते हैं उसको गेस्चर कहते हैं। साइंस, अगर हम इशारे करते हैं किसी प्रकार के तो उसको साइंस कहते हैं। सिंबल्स, चिन्ह को सिंबल कहते हैं, और अपीयरेंसेस। तो मेरे हिसाब से सी भी सही है कि जब हम किसी को इशारा करें या अपने कोई हाव भाव दिखाएं या कोई चिन्ह दिखाएं तो वो भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। और चौथा है डी ऑल दी अबव, तो हमारे हिसाब से डी ऑल दी अबव होना चाहिए इसका उत्तर। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें, जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास आए सीबीटी में तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, केवल पहला चॉइस पढ़कर उसको टिक करके सेलेक्ट करके आगे ना बढ़ें, क्योंकि एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं और नीचे में एक ऑल दी अबव की चॉइस भी हो सकती है।
तो इसीलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और उसके हर चॉइस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर उत्तर दें सीबीटी परीक्षा में। तीसरा, इन सोशल मीडिया वी यूज डैश टू कन्वे अवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो खाली स्थान, रिक्त स्थान को भरने वाले जब क्वेश्चन आए तो मेरा सुझाव है कि आप उस रिक्त स्थान में जो चार चॉइस दी गई है एक एक करके सबको डालें, डाल के देखें कि वो खाली स्थान में क्या, वो जो सेंटेंस बनता है खाली स्थान में वो वर्ड डालने के बाद क्या उसका कोई मीनिंग निकलता है कि नहीं निकलता। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक एग्जाम में अटेम्प्ट करें। तो इसका दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन सोशल मीडिया वी यूज डैश टू कन्वे अवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। सोशल मीडिया में हम क्या यूज करते हैं अपने फीलिंग्स और इमोशंस, यानी अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो इसमें चार चॉइस दी गई है। इसमें पहला जो चॉइस है वो इमोजीज लिखा है, जो गलत है हमारे हिसाब से, वो इमोजीज होना चाहिए, ई एम ओ एल की जगह जे होना चाहिए। इमोजीज आप में से कई लोग समझते होंगे, जो व्हाट्सएप जो लोग यूज करते हैं उसमें जो सिंबल्स आते हैं, जैसे कि एक पीला सा गोल सा चेहरा मुस्कुराता हुआ उसको स्माइली कहते हैं, इस प्रकार से उनको जितने भी ऐसे चिन्ह होते हैं उनको इमोजीज कहा जाता है। तो इन सोशल मीडिया वी यूज इमोजीज टू कन्वे अवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, सही है हमारे हिसाब से, क्योंकि इमोजीज को तो यूज करते हैं अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे खुश हैं तो मुस्कुराता हुआ चेहरा डालते हैं किसी के पास, किसी को भेजते हैं आप व्हाट्सएप में। गुस्सा है तो एक लाल रंग का चेहरा होता है जिसको, जिसमें गुस्सा शो होता है, तो आप उसको भेजते हैं। तो इमोशंस यानी भावों को एक्सप्रेस करने के लिए इमोजीज तो यूज किया जाता है, सही है। बी देखते हैं क्या है, गेस्चर्स। गेस्चर्स यानी कि हमारे हाव भाव। और सी होता है, सी है आई कॉन्टैक्ट, और डी है बॉडीली मूवमेंट्स। तो सोशल मीडिया में तो हम अपने हाव भाव, आंखों के आई कॉन्टैक्ट और बॉडी के मूवमेंट्स को तो नहीं दिखा पाते, तो नेचुरली इसका उत्तर ए होना चाहिए कि सोशल मीडिया को यूज करते समय हम अपने इमोजीज को भेजते हैं अपने हाव भाव को समझाने के लिए। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, इमोजीज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू। इमोजीज को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। पहला है अवर एजुकेशनल लेवल्स, हमारी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से, गलत, हमारे हिसाब से गलत है। बी अवर प्रोफेशनल लेवल्स, कि हम किस प्रोफेशन में और किस हैसियत में है प्रोफेशन में, क्या उसके हिसाब से इमोजी यूज करते हैं, नहीं। अवर मूड्स एंड सिचुएशंस, हमारा मूड कैसा है और सिचुएशन किस सिचुएशन में हम, क्या उसके हिसाब से इमोजी यूज करते हैं, मेरे हिसाब से तो सी सही होना चाहिए। और डी है नन, तो ए गलत होगा, बी गलत है और सी सही होना चाहिए हमारे हिसाब से, सी को टिक कर देते हैं। इमोजीज डिपेक्ट, इमोजीज क्या दर्शाता है, डिपेक्ट का अर्थ होता है दर्शाता है, इमोजीज क्या दर्शाता है। लॉफ्टर यानी कि हंसी, बी सैडनेस यानी कि दुख, सी एंगर यानी गुस्सा। हम जब आप व्हाट्सएप जो लोग यूज करते हैं वो समझ सकते हैं इस चीज को, कि लॉफ्टर यानी कि हंसी वाला भी इमोजी है व्हाट्सएप में या फेसबुक में, बी सैडनेस यानी दुख वाला इमोजी भी है जिसमें दोनों आंखें नीचे रहती हैं, उसको दुख सैडनेस वाला इमोजी बोलते हैं, सी एंगर यानी कि लाल रंग का जो इमोजी जो मैंने पहले बताया वो एंगर गुस्से को दर्शाता है, डी ऑल द अबव। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हम चारों चॉइसेस को पढ़ते हैं तो हमारे हिसाब से डी सही है, उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट, छठवां क्वेश्चन, वी सेलेक्ट द डैश इमोजी टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स। अब डैश की जगह हम एक एक को रख के देखते हैं, उस फिर समझते हैं कि जो सेंटेंस बनता है एक एक को डालने के बाद क्या वो एक सही सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। वी सेलेक्ट रैंडम इमोजीज टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग, ए डाला हमने। रैंडम का अर्थ होता है कुछ भी, तो गलत है ये, तो मेरे हिसाब से ए नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी थोड़ी इमोजी डाल देते हैं वार्तालाप करते समय, कम्युनिकेट करते समय। बी परफेक्ट, वी सेलेक्ट परफेक्ट इमोजी टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, सही है। परफेक्ट मतलब सही, हम सही इमोजी को डालते हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। सी ऑड, ऑड का अर्थ होता है जो होना चाहिए उससे भिन्न, अलग, तो ये भी गलत होगा क्योंकि हम ऑड इमोजी थोड़ी डालेंगे, अगर हम खुश हैं तो खुश वाला इमोजी डालेंगे। डी नन, नन भी नहीं है, तो हमारे हिसाब से बी सही उत्तर होना चाहिए, परफेक्ट। वी सेलेक्ट परफेक्ट इमोजी टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स। सातवां क्वेश्चन, वी यूज इमोजीज व्हेन, हम इमोजीज को कब यूज करते हैं। पहला, व्हेन वी आर बोर्ड, जब हम बोर हो जाते हैं, गलत, हमारे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, बोर होते हैं तब हम इमोजी थोड़ी यूज करते हैं, हम तो कम्युनिकेट करते समय करते हैं। बी वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, जब
हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए शब्द काफी नहीं होते, क्या हम तब इमोजी को यूज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। अगला फिर भी देख लेते हैं, सी वी डोंट वॉन्ट टू थिंक, जब हम सोचना नहीं चाहते तब हम इमोजी यूज कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता, गलत है ये भी। और डी वी आर लेजी, यानी जब हम लेजी रहते हैं या हम जब हमें आलस होता है तब हम इमोजी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो बी सही उत्तर होना चाहिए कि जब हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स सफिशिएंट नहीं होते तब हम इमोजीज को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के समय। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन हेल्प्स डैश, कम्युनिकेशन किस चीज में मदद करता है? इसका पहला है चॉइस दी गई है ए टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, दो लोगों को आपस में एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए कम्युनिकेशन मदद करता है। मेरे हिसाब से ये सही है, पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पूरा पढ़े क्वेश्चन, क्योंकि एक से अधिक चीजें भी सही हो सकती हैं। तो ए टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, ये सही लग रहा है मुझे। नेक्स्ट बी पे आते हैं, कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मतलब दो लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए उससे बचने के लिए कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, ये भी सही लग रहा है। तीसरा टू बिल्ड टीम्स, आपस में टीम बनाने के लिए भी कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और चौथा है ऑल द अबव, तो यहाँ का सही, इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑल द अबव, क्योंकि कम्युनिकेशन इन तीनों चीजों में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वी स्ट्रांगली फील और रिएक्ट इन पर्टिकुलर सिचुएशंस और विद पर्टिकुलर पीपल वी आर यूजिंग अवर डैश, जब हम किसी चीज के लिए स्ट्रांगली फील करें या हम रिएक्ट करें किसी सिचुएशन में, कोई ऐसी स्थिति में परिस्थिति में हम रिएक्ट करें या हम किसी व्यक्ति के साथ ये करें, तो हम क्या यूज कर रहे हैं इस डैश की जगह? हम एक एक डाल के देखते हैं। पहला इमोशंस, सही है, क्योंकि हम अपने भाव यूज करते हैं जब हम किसी चीज के लिए रिएक्ट करते हैं, ए मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, फिर भी हम दूसरा पढ़ेंगे। बी हेल्थ, हेल्थ हम अपना स्वास्थ्य तो नहीं यूज करते जब हम किसी सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं, तो बी गलत है। सी मनी, क्या पैसा यूज करते हैं जब हम किसी चीज के लिए रिएक्ट करते हैं? नहीं, ये भी गलत है। चौथा डी नन, नन नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर ए होना चाहिए, इमोशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 10वां क्वेश्चन, इमोशंस कैन बी, इमोशंस यानी कि भाव पॉजिटिव है हो सकते हैं, बी नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और डी नन, तो भाव पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो हमारे हिसाब से सी सही उत्तर होना चाहिए। अब जब आप इस पेज में देखेंगे 10-10 क्वेश्चन आते हैं, इसको आप सबमिट करेंगे तो जो क्वेश्चन सही है वो हरे हो जाएंगे और जो गलत है वो लाल हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, 10वें क्वेश्चन तक जो हमने चुना वो सब सही है और नीचे दिया भी है 10 out of 10। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स के हिस्से का पहला वीडियो था। अगले 10 क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो हम बना के भेजेंगे, आपको लिंक आएगा। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लिंक अगर ना मिले तो इस YouTube चैनल में लॉगिन करके आप देख सकें बाकी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस भी। तो मैं इस वीडियो को यहाँ बंद करता हूँ और कम्युनिकेशन स्किल्स के हिस्से का दूसरा वीडियो आपको हमारे इस YouTube चैनल में मिलेगा। थैंक यू।